हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और गेम प्ले वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को एक गेम प्ले दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही मस्त है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे का जो गेम प्ले है ये आज सुबह का ही है एंड मैं गेम खेल रहा था अपना दोस्त लोग के साथ, जिसमें एक मेरे दो यूट्यूबर फ्रेंड है जो कि आप लोग जानते हो विवेक गेमर, तो वो मेरे साथ खेल रहे थे एंड हम लोग जा रहे थे कोचिंग की। तो यहाँ पर हमारे साथ एक स्क्वाड उतरा था जो कि बहुत थोड़ा दूर था, तो यहाँ पर हम लोग उतरे एंड पहले लूट किए। लूट करने के बाद मैं इधर आ रहा था, यहाँ पे कुछ फायर हो रहा था, तभी वहाँ पे मुझे एक दिखा रियल बंदा जो कि एक नूब के ऐसा भाग रहा था बॉट को मारने के लिए एंड अंदर में एक बॉट था। तो यहाँ मैंने दोनों को मार दिया एंड जो पहला बंदा था वो बॉट को मारने के लिए शॉटगन से भाग रहा था एंड वो मैं टीममेट से बिछड़ गया था, तो मेरे टीममेट्स ने उसका टीममेट ख़त्म कर दिया एंड यहाँ पे आप पूछेंगे मैं कोई भी स्क्वाड नहीं बचा था। तो इसके बाद हम लोग निकल गए दूसरे जगह। अब हम लोग जा रहे थे स्कूल के साइड, तो मेरे टीममेट को लगा कि इधर बंदी होंगे, तो यहाँ पे मैं जा ही जाता तो यहाँ पे देख सकते एक बंदा भागता हुआ दिखा। तो मेरे पास M4 में सिर्फ 30 ammo था, एक्सटेंडेड नहीं था, इसीलिए ये बंदा बच गया। तो यहाँ पे जैसे मैं लूट कर रहा था तभी इसका टीममेट आई थिंक दूसरी जगह से आया बग्गी से एंड हम लोग पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेड़ के पीछे ये दोनों बग्गी से आए थे एंड यहाँ पे हम लोग इन बंदों को भी ख़त्म कर दिए। और ये लोग के पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया लूट था, लेवल 3 का लूट था, तो इसे मैंने लूट किया एंड फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो जैसे ही हम लोग अपना गाड़ी में बैठे, यहाँ पे मैं अपना M24 से मार रहा था, बग्गी का टायर फोड़ रहा था, तभी एक बंदा दूर से आता है एंड इसी का वो टीममेट था, तो ये अब मेरे टीममेट को एक नॉक कर देता है। फिर उसके बाद हम लोग इसे रिवाइव देते हैं एंड यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आते हैं जोन में, यहाँ पे हम लोग के पास जोन नहीं था, तो इधर मैं आता हूँ अकेला। फिर मेरे टीममेट्स पीछे से आ रहे थे तभी मुझे वहाँ पे एक गाड़ी दिखता है, तो यहाँ पे मैं फायर करता हूँ तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डैमेज आता है, जैसा कि देखे तो वो अभी आई थिंक 10 HP बचा होगा। तो उसके बाद मैंने अपना गाड़ी लिया एंड अपने टीममेट को बोला फॉलो मी, क्योंकि वो लोग थोड़ा पीछे था, तो यहाँ पे मैं उससे बुलाया एंड फिर मैंने उस पर रश कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपना डाचिया से जा रहा था इस बंदे पे रश करने, लेकिन ये जो बंदा था ये यहाँ से भाग निकला था। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को 2-3 बार घुमाया लेकिन वो बंदा मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि वो भाग चुका है। लेकिन मेरे टीममेट जब पीछे से आ रहे थे तो वो लोग को एक सैक के अंदर वो बंदा दिख गया एंड उसे ख़त्म कर दिए एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। तो इसके बाद हम लोग ब्रिज के साइड जा रहे थे तभी यहाँ पे इस घर से कुछ फुटस्टेप आता है, तो इस घर में एक बंदा था तो उसे हम लोग ख़त्म किए एंड उसके बाद यहाँ से एक बाइक पार होता है। तो यहाँ पे ये स्मोक वाला वेदर मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ मैं रैंडमली कुछ मारा और उस बंदा को डायरेक्टली हेड लग गया। तो अब वो बंदा बहुत ज़्यादा लेट था तो मुझे लगा कि वो वहाँ पर रुक जाएगा पेट्रोल पम्प के पास, तो यहाँ पर मैं निकला अपना गाड़ी से। और हम लोग के पास जोन भी यहाँ पर नहीं था तो इसीलिए हम लोग को उस पार जाना था, तो हम लोग अपना US लिए एंड यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे मैं जा रहा था उस पार क्योंकि जोन भी उधर साइड ही बन चुका था, तो यहाँ पे मैं US से जा रहा था तो मुझे लगा कि ब्रिज कैंप होगा, इसीलिए मैं साइड से ले रहा था। और जिस तरह ये वेदर है गाइस ये मुझे बहुत ही घटिया लगता है, तो यहाँ पे हम लोग रुके एंड मेरे टीममेट्स वहाँ पे चेक कर लिए कि कोई बंदा है या नहीं है। तो मेरा तो माइक ऑफ था क्योंकि यहाँ पे जब मैं रिकॉर्डिंग करता तो मेरा माइक ऑफ हो जाता है। तो उसके बाद मैं अपना गाड़ी में फ्यूल भरा एंड वहाँ से निकल लिया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही निकल रहा था तभी एक स्क्वाड पीछे से आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया कि गाड़ी स्पीड में मैंने जंप कर दिया, जिससे मेरा लगभग हेल्थ तो चला गया था एंड DP का एक बुलेट से मैं नॉक हो गया। लेकिन फिर मेरे टीममेट्स ने दोनों बंदों को ख़त्म किया एंड मुझे रिवाइव किया। तो अब हम लोग उस साइड जा रहे थे एंड यहाँ पे 2-3 स्क्वाड आपस में फाइट ले रहा था और स्मोक पे देख कर हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ बंदे हैं, तो इसलिए हम लोग अपना गाड़ी को घुमा रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपना गाड़ी को घुमा रहा था तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये पेड़ के पास एक बंदा दिखता है, तो यहाँ पे मैं उतर के उसे मारने के लिए जाता हूँ, तभी मुझे पीछे से कुछ बंदे मारने लगते हैं। तो अब यहाँ पे गाइस जो पीछे का स्क्वाड था वो मेरे टीममेट्स ने ख़त्म कर दिया और अब बचे थे सिर्फ एक स्क्वाड जो कि घर के अंदर था, और ये लोग पूरा फैले हुए थे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड ये स्मोक वेदर आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब यहाँ मैं जैसे हिल किया उसके बाद देखे आप लोग मेरा एकदम फ्लाइंग हैक ऑन हो गया। अब ये हैक नहीं था गाइस, यहाँ पे मेरे टीममेट ने धकला इसलिए मैं उड़ गया था। तो अब यहाँ पे मैं आ चुका था ये स्टोन के पास एंड ये बहुत ही छोटा स्टोन था और हम लोग दो बंदे थे,
तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे कवर नहीं मिल पाया। एंड मेरा जो टीममेट था उसका हेल्थ बहुत कम हो गया था, इसलिए वो पीछे भागा। लेकिन वो जो बंदे थे वो मेरे टीममेट को नॉक कर दिए एंड कन्फर्म भी तुरंत कर दिए। तो अब ये सब बंदे हम लोग पर रश कर रहे थे, लेकिन मैंने पहला बंदे को बहुत ज़्यादा स्प्रे दिया एंड तुरंत ही लेट गया, क्योंकि एक बंदे के पास M24 था, अगर वो मुझे मारता तो फिर मैं एक बार में नॉक हो जाता। तो यहाँ पे दूसरा बंदा भी पिक कर रहा था एंड मैंने उसे नॉक कर दिया एंड वो भी मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया था। और अब बचे थे उनके भी दो बंदे एंड हमारे भी दो बंदे एंड एक बंदा मैं पिक कर रहा था एंड मैंने उसे स्प्रे दिया एंड वो भी नॉक हो चुका था। और अब उसका जो लास्ट टीममेट था वो था राइट साइड, जो कि M24 से मार रहा था, तो वो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए ओपन में आया एंड मैंने उसे बहुत ज़्यादा लीड कर दिया था। तो यहाँ पे वो बहुत ही लीड था तो मैंने इसे रश कर दिया एंड उसे भी कन्फर्म कर दिया। तो ये स्क्वाड को ख़त्म करने के बाद हम लोग लूट किए एंड फिर यहाँ से हम लोग निकल गए जोन में। तो जोन जो था वो बहुत ही गलत जगह बन गया था। अभी आप लोग देखिएगा तो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मैप ओपन करूँगा और ये देख सकते हैं कितना गलत जगह जोन था, पूरा पहाड़ बन चुका था। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को छोड़ के आगे पैदल ही गया और जब यहाँ पर मैं आया तो मुझे यहाँ पर बंदे का फुटस्टेप आया। तो वो लोग हमारे एक टीममेट को नॉक कर देते हैं एंड वो लोगों के पास हाइट एडवांटेज था, इसीलिए मैं आगे नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ पे मैं अपना स्मोक निकालता हूँ उसे रिवाइव करने के लिए। तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ स्मोक फेंकता हूँ तभी एक बंदा जंप मार देता है एंड फिर मेरे टीममेट ने उसे ख़त्म कर देता है एंड मेरा जो नॉक टीममेट है वो इधर आ जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर इसे मैं रिवाइव नहीं दे पाता, वो थोड़ा साइड चलाता है एंड उसका हेल्थ भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद एक और बंदा तुरंत ही आ जाता है ऑग लेके एंड इसे भी मैं यहाँ पे मारता हूँ एंड फिर तुरंत ही मैं कवर में जाता हूँ। तो अब यहाँ पे कुछ बंदे लेफ्ट साइड थे एंड वो लोग आपस में फाइट ले रहे थे एंड कुछ बंदे पहाड़ के ऊपर भी थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं लेफ्ट वाला बंदा को मारता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस साइड आ रहा था एंड मैं यहाँ से गलती से गिर जाता हूँ। और फिर मैं जैसे यहाँ पे स्टोन के पास आता हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ आता है एंड वहाँ पे मुझे एक बंदा दिख जाता है। तो वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था लेकिन वो पहुँच नहीं पाया एंड मैंने उसे ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मुझे एक और बंदा दिख जाता है पेड़ के पास सांप बना हुआ, तो मैं उसे भी अपना M4 का स्प्रे से ख़त्म कर देता हूँ। और अब यहाँ पर बचे थे दो बंदे जो कि पहाड़ के ऊपर थे, तो अब मुझे जाना था ऊपर साइड। तो यहाँ पर इस साइड से मैं बहुत ट्राई किया लेकिन मैं ऊपर नहीं जा पाया। तो फिर मैं पूरा राइट लेकर जा रहा था तभी मेरा जो टीममेट था वो ऊपर से गिर गया एंड वो नॉक हो चुका था और वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर था तो मैं उसे रिवाइव देने जा नहीं सकता था। और अब मैं ऊपर आ चुका था तो यहाँ पे जो दो बंदे थे वो अब पहाड़ के ऊपर साइड थे एंड मेरे पास फुटस्टेप भी आ चुका था। तो यहाँ पर मैं वेट किया, तो यहाँ पर मैंने बहुत देर वेट किया, फिर उसके बाद मेरे पे जोन नहीं था तो यहाँ मैंने स्मोक किया जोन में जाने के लिए। तो इस जगह मैं आया तो मुझे दिखा कि यहाँ मैं जोन पे हूँ, तो इसी जगह मैं रुक गया। और अब आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से ये मैच जीतता हूँ। तो ये जो लास्ट बंदा था ये मुझे चाहता तो मार देता, क्योंकि जब मैंने इसके पहला बंदे को मारा उसी समय मेरा हेल्थ बहुत कम हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही घूम के इस बंदा को मारा, तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन टाइम कहीं ना कहीं मुझे मदद कर दिया ये मैच को जीतने में। लेकिन मुझे लगा नहीं था गाइस कि ये मैच मैं जीत सकूंगा। तो आप लोग को ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे रिकॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोग के लिए ले आऊँगा। तो यही था मेरे इस वीडियो में जो मुझे दिखाना था ये गेम प्ले। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करके जाइएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों लोग को भी ये गेम प्ले दिखाने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।